अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो जी, हादसा करा लिया है ज़रा, वो बच्चे बन गए हैं हम लोग। तो रात के फिर से दो बज चुके हैं और हमें लग चुकी है फिर से भूख। लेकिन आज हम क्या बनाएं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो रात के 2 बजते ही हमें लग चुकी है भूख फिर से। तो हम लोग फिर से कुछ ना कुछ बनाएंगे, हम लोग, हम आप और मैं, ठीक है? तो फिर से कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो चेक करते हैं कि किचन में क्या मौजूद है। जी, हमें मिला है वेफर का सामान, तो आज हम फिर बनाएंगे चॉकलेट वेफर। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है 1/4 कप ऑयल का, और आधा कप है हमारे पास आइसिंग शुगर का, और 1 कप है हमारे पास मैदे का, और 1 टीस्पून है हमारे पास बेकिंग पाउडर, और 1 टेबल स्पून हमारे पास है कोको पाउडर, और इसके साथ है हमारे पास वनीला एसेंस, और 2 अंडे हैं। तो चलें इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लेंगे, एक स्ट्रेनर लेंगे जिसे हम इन्हें छान लेंगे। सबसे पहले हमने डाली है आइसिंग शुगर, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इनमें बबल्स चाहिए। ये वैसे तो साफ़ ही हैं, लेकिन हमें इनमें बबल्स चाहिए इसलिए क्योंकि हम वेफर्स बना रहे हैं, तो वेफर्स के अंदर बबल्स चाहिए होते हैं। अगर हम इनकी जगह पे केक बना रहे होते हैं या फिर जो डोनट्स बना रहे होते हैं, तो फिर हमें इनमें बबल्स नहीं चाहिए होंगे, तो इसलिए हम इन्हें मिक्स कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे कोको पाउडर। चलें जी, अब इसको हम रख देते हैं एक साइड पे। उसके साथ ही हम शुरू कर लेंगे, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले हम तोड़ेंगे अंडे, तो ये अंडे डालिए। अब हम करेंगे इनको बीट। अच्छा, इधर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोग जो आइसिंग शुगर है ना, उसको चूँकि हमने इसमें रखा है, इसके अंदर मिक्स कर लिया ताकि वो सारे इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाएं। अब उनको हम इसमें भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, अदरवाइज़ ऐसा कोई इतना ख़ास इशू नहीं है इस चीज़ को लेकर। इसको अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। इसके साथ थोड़ा सा हम इसमें करेंगे ऑयल ऐड, ये 1/4 कप है, इसमें ऑयल हमने ऐड कर लिया। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल एक ढक्कन इसका, जो एक ये कह लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा इसमें ये करेंगे, ताकि इसका फ़ायदा ये होता है कि जो अंडे होते हैं उनकी स्मेल वगैरह नहीं आती है। अब ये चूँकि काफ़ी ज़्यादा ये देखें हो चुका है, तो अब इनको साइड पे कर देंगे। अभी इनके अंदर मिक्स करेंगे ये हमारा जो मेज़ा हमने पहले तैयार किया था वो वाला, लेकिन ये बिल्कुल एकदम से सारा ऐड नहीं करेंगे, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, लाइक 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून इस तरह। काफ़ी अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुके हैं सारे इंग्रेडिएंट्स, तो अब हम इनको करेंगे अपने वेफर मेकर में डालेंगे और आपको वो दिखाते हैं जी। तो ये आ गया हमारा वेफर मेकर, तो ये इसको थोड़ा सा हमने हीट के लिए रखा है, इसके अंदर मैंने ऑयल पहले लगा दिया है, तो इसको करते हैं हम ऑन। और काफ़ी ज़्यादा हीट आ रही है और आपको ऑयल भी लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो इसके ऊपर हम अपना डालते हैं अमेज़ा जो हमने अभी तैयार किया है।
चलें अब इसको चेक करते हैं कि ये कितना हुआ हो गया। वैसे मैंने इसके दौरान एक दो दफ़ा चेक कर लिया था, तो अभी ये धुएं छुएँ आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये हो गया और इसकी दोनों लाइट्स भी ऑन हो चुकी हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है ना वो कलर भी आया। लेकिन हमारे बनके हो चुके हैं रेडी, तो अब हम इसके ऊपर इसकी जो है वो टॉपिंग करने के लिए हमने ये बनाया है कैरेमल, ठीक है। ये मतलब इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप लोग चेक कर लेना उसके लिए। तो इसके लिए करते हैं, और थोड़े से टेस्ट के लिए अब हम इसके अंदर कर देंगे थोड़ी सी क्रीम है। तो ये हमारे बन चुके हैं रेडी। अब हम करेंगे इसको टेस्ट। Nice. मज़ेदार। तो अब हम आ गए हैं अपनी सिग्नेचर सीप पे जो कि आप हर व्लॉग में देख रहे हैं। तो अब हम आके एक मरतबा आपको फिर से एक रिव्यू देंगे। ये सारे इकट्ठे हैं इसलिए थोड़ा सा इस तरह कर रहे हैं, वरना यकीन करें बहुत मज़े के बने, बहुत मज़े का बने। ये फर्स्ट ट्राई था, उसके बावजूद बहुत मज़े का बने। मज़ेदार मज़ेदार चस्कराते, बिल्कुल बिल्कुल जो है ना वो सोगी सोगी भी है, जो इसकी हार्डनेस होती है वो भी है, ठीक है। और मतलब एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, ऑल क्रेडिट गोज टू सामन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।